प्रधानमंत्री आवास योजना का फैजाबाद में हाल जानना हो तो मुंद्रा देवी से मिलिए। ये वजीरगंज रेलवे क्रॉसिंग के बगल कॉलोनी की रहने वाली हैं और यहाँ पिछले 30 वर्षों से रहकर गुजर बसर कर रही हैं। आज इसकी दीवार गिर गई। इसने ऑनलाइन योजना में रजिस्ट्रेशन भी कराया था, परंतु इनका लड़का जो कि ठेला चलाकर अपने परिवार का गुजारा चलाता है, नगर निगम व डूडा के अधिकारियों के पास दौड़ते दौड़ते थक गया, परंतु साल भर बाद भी इनको आवास नहीं मुहैया हुआ। यदि ये है केंद्रीय योजना का सच, क्या ये एक दिखावा है? 30 साल से लगभग हम यहाँ रह रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आपने फार्म भरा था? जी, ये फार्म हमने भरा है, ये उसकी फोटो कॉपी रखी है। कब भरे थे ये? एक साल से ऊपर हो रहा है हमें। क्या कहा वहाँ के लोगों ने? वहाँ सर वो मम्मी गई थी, उनको कोई कुछ बताते नहीं, मतलब कहते हैं जाओ हो जाएगा, जब सबका होगा तो आपका भी हो जाएगा। ऐसे यहाँ कितने लोग हैं जिसको मकान मिल चुका है और नहीं मिला है? लगभग बहुत लोग पिछले साल, मतलब उससे पहले एक योजना आई थी उसमें ही हो चुका, हमारा ही सिर्फ बचा था, हमारा नहीं हुआ अब तक। केवल आपका नहीं हुआ है जी? कोई पैसा मांग रहा है आपसे? नहीं, पैसे वैसे की कोई बात नहीं, बस आता ही नहीं कोई हमारे यहाँ। कोई अधिकारी या कर्मचारी पैसा मांग रहा नहीं, है? पैसे की कोई बात नहीं। डूडा गए थे जी? क्या हुआ वहाँ पर? अब गए थे वहाँ भी, कहते हैं जब होगा तो सबका होगा, इधर और हमारे बगल में मोहल्ले में हैदरगंज में सबका हो रहा, हमारा नहीं हुआ। यहाँ के पार्षद से कहा आपने? जी कहे हैं। पार्षद ने क्या कहा? पार्षद जी से मिले थे तो उन्होंने कहा कि ये हमारे हाथ में नहीं है। क्या नाम है पार्षद का? पिंटू। फैजाबाद रेलवे जंक्शन परिसर गंदगी एवं जलभराव की समस्याओं से लोगों का है जीना दूभर। टिकट खिड़की के पास आज हल्की सी बरसात क्या हुई, हर तरफ पानी ही पानी नजर आया। नाली से निकली गंदगी वहीं पड़ी रही और बरसात की वजह से पूरे परिसर में गंदगी फैल गई, परंतु कोई सुध लेने वाला नहीं था। लोग उसी गंदगी पानी से होकर इधर उधर आ जा रहे थे। दूसरी तरफ स्टेशन पर परिसर से फव्वारे तक जगह जगह लगी दुकानें गंदगी बढ़ा रही है, जो कि बरसात की वजह से पज बजाती नालियां और सड़कें गड्ढे युक्त, आखिर ये सभी बीमारियों को न्योता दे रहे हैं। परंतु कहाँ है रेल प्रशासन? क्या यही है भाजपा का मॉडल स्टेशन? बताते चलें, जितनी दुकानें लगी हैं सब गंदगी से युक्त हैं और यात्री जाए तो कहाँ जाए, मजबूरी अस उनको वहाँ पर नाश्ता करना ही पड़ता है और जिससे तरह तरह की बीमारियाँ पैदा हो सकती है। फैजाबाद स्टेशन पे आए हुए हैं और टिकट लेने गए थे आप, तो यहाँ पर क्या समस्या आई? सबसे बड़ी समस्या तो यहाँ पर जो है प्रदूषण की है, जो ये और पानी जमा हुआ है, इसके लिए रेलवे डिपार्टमेंट को, यहाँ की सरकार को, यहाँ के जो ऑथराइज हैं उन्हें कुछ करना चाहिए। पानी जमा है, इसमें मच्छर होंगे, मलेरिया होगी, दुनिया भर की बीमारियाँ होंगी, सीधी बात है। और अगर आप इसे थोड़ा आगे से ले जाओगे तो वहाँ तो ये नालियाँ जो हैं ओवरफ्लो कर रही हैं, जिससे यहाँ रेलवे स्टेशन पर आने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है। और कूड़े का ढेर भी आपको मिला क्या यहाँ पर? हाँ, कूड़े का ढेर आप देख सकते हो, जो है डस्टबिन वगैरह रखा हुआ है, लेकिन सारा जो है कूड़ा पानी की वजह से और जो बरसात हुई है सब बह रहा है पानी के। टिकट लेने आप जा रहे थे, आपको काफ़ी दिक्कत हुई क्या? वो तो होगी दिक्कत, बरसात है, भीड़ है, आप देख सकते हैं वहाँ पर टिकट के लिए कितनी भीड़ है। पानी जो भरा हुआ इसको पार, पानी भी भरा हुआ है, पानी पार करके ही जाना पड़ रहा है टिकट लेने के लिए। क्या नाम है आपका? अखिलेश वर्मा। कहाँ रहते हैं, कहाँ जा रहे हैं? हम तो बस्ती रहते हैं।